See, here is the thing. Every year, thousands and thousands of people go to Nepal from India, and a lot of people from Nepal come to India because they both are almost like a same country. आपस में आने जाने का कोई वीज़ा वूज़ा का चक्कर नहीं है एंड यू ऑलमोस्ट गेट द सेम फूड यू स्पीक ऑलमोस्ट द सेम लैंग्वेज सेम करेंसी कैन बी यूज्ड एंड इट्स ऑल्सो एक्चुअली चीप टू गो टू नेपाल फॉर इंडियंस उसकी वजह से हॉलीडे का हॉलीडे हो जाता है और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है और 2020 वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ बहुत बिजी था मैं एंड आई एक्चुअली हैड नो एनर्जी टू ट्रैवल अगेन ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन बट देर इज़ नथिंग मोर स्पेशल एंड अमेजिंग देन स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एट द वेरी लास्ट मिनट आई डिसाइडेड टू जॉइन माई फैमिली इन नेपाल फ्रॉम इंडिया ऑलमोस्ट वन ईयर अगो सो फ्लैशबैक टाइम Say the name of the country. जबरदस्त खाना खाना दोस्तों और फैमिली के साथ पार्टी करना सड़क पे डांस करना घूमना फिरना बच्चों के साथ खेलना इट वॉज ए कंप्लीट फैमिली हॉलीडे And it was even more special because it was happening in Nepal. I love Nepal. I love visiting Nepal. And while having all that fun with my family and friends, one thing kept bothering me. That thing is that couple of days ago, I was not even sure if I should go and join them. That means I would have missed such amazing family and friends time just before this pandemic all over the world. And that made me think that life mein kitni baar, kitne mauqon pe aisa hota hai ki there is that this much difference between we deciding to actually do something and not doing something. And that something, this much, can actually change our life. And also our experiences, which actually define how amazing our life is. लाइफ बहुत छोटी है बहुत कम लोगों को किस्मत वाले लोगों को
मौका मिलता है लाइफ में कुछ इन्जॉय करने का, कुछ ट्रैवल करने का, कुछ मस्ती करने का, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने में। तो जब भी लाइफ में ऐसा मौका मिले उसको पकड़ लेना और उसका पूरा फ़ायदा उठा लेना। और उसके बाद से लगभग एक साल हो गया है, आई हैवंट सीन माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखते हैं फिर आगे कब होगा, बट फिलहाल दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। दैट वाज एक्चुअली द लास्ट हॉलीडे बिफोर पेंडेमिक ऑफ माय लाइफ।